हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जानते हैं। देखो, क्यों यह योजना लेके आई है पहले उसको हम देखते हैं, फिर इसके फीचर्स हम यहाँ पे जानेंगे। देखो, जो भी इम्प्लॉय हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे यहाँ पे बात सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट के हों, अगर उनका रोजगार चला जाता है किसी कारणवश, जैसे कई रीजन हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई उनके पास जो टैलेंट आज के टाइम पे नहीं, जो उनके एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए वो टैलेंट उनके पास नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उनके पास और भी तरह के कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, उनकी जॉब चली गई है। तो उन लोगों को एक्चुअली फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बेसिकली ये स्कीम है वो लाई गई है। और इस स्कीम के लिए मैंडेटरी एक चीज ये रखी गई है कि इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसके तहत उनका बीमा होना अनिवार्य है। मतलब वो कर्मचारी जो एक्चुअली इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के तहत शामिल है, उनकी इंश्योरेंस की गई है, उन्हीं को बेसिकली इस स्कीम का फायदा है वो मिलने वाला है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको जब तक नई रोजगार या नई जॉब नहीं मिल रही है तब तक उनको पैसा प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ना, उसने अभी ये प्रावधान किया है कि भाई जो अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना है ये एक्चुअली कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948 है, उसके तहत जो भी बीमाकृत व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया है। तो कंटेक्स्ट जैसा मैंने आपको बताया वो ये, बट इतना कुछ दमदार है नहीं, तो कंटेक्स्ट हमें ज्यादा याद करने की जरूरत है वो नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना है वो, उसका मेन मोटो क्या है। मेन मोटो ये है कि जो भी लोगों का जॉब लॉस हो गया है या फिर उनके रोजगार में कोई भी चेंजेस आए हैं पैटर्न में और उसकी वजह से उनके पास बेरोजगारी हो गई है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया जाएगा जब तक उनकी नई जॉब है वो नहीं लग रही है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो ESI इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके तहत बेसिकली बात तो की गई कि 2 साल तक उनको बीमा है वो दिया जाएगा, बट यहाँ पे भी इससे क्लियर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट मतलब अकाउंट में दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि केस की फॉर्म में दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या है। देखो, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ये बेसिकली एक कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी और इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस है वो दी जाती है। मतलब गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस वो दी जाती है ESI के द्वारा। ये एक कॉरपोरेशन है जो कि ऑटोनोमस तरीके से काम है वो करता है। कौन सी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत बेसिकली आता है। तो यह भी एक फैक्ट बन जाता है कि अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि डायरेक्टली तो उसी के तहत आ रही है ना। अब यहाँ पे इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। और अहम बात क्या है कि जो ये इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ये बेसिकली मैनेज की जाती है इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। मतलब एक कॉरपोरेशन भी बनाया हुआ है उसके तहत इसको इंश्योरेंस को मैनेज है वो किया जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है मिनिस्ट्री कौन सी है और जिन लोगों का जॉब लॉस हो रहा है उनको बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प है वो इसके तहत है दी जाएगी। तो बस ये 2-3 फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे इनफ है, हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रहार मिसाइल को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि डीआरडीओ ने अभी अपनी स्वदेशी जो मिसाइल है, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रहार, इसका भी सफल परीक्षण है वो किया है। तो हम थोड़ी प्रहार मिसाइल के फीचर्स के बारे में जानते हैं, बट हम प्रहार मिसाइल के फीचर जानने से पहले हम पिनाका और पृथ्वी 2 जो हमारी मिसाइल है इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। देखो, हम बात करें जब पृथ्वी मिसाइल की तो बेसिकली इसकी रेंज है वो थोड़ी मीडियम टाइप की रेंज है। पहले तो हम रेंज देख लेते हैं। 3 वर्जन है इसके पृथ्वी की, 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की रेंज है वो 150 किलोमीटर तक, पृथ्वी 2 की रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की रेंज है वो है अप टू 600 किलोमीटर। तो ये बेसिकली 3 रेंज है, यह हमें ध्यान में रखना है। और पृथ्वी जो मिसाइल है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था IGMDP 1983 में। देखो, 1983 में प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था कि हमारे देश के अंदर क्या थी, मिसाइल वगैरह तब तक नहीं बनाई जा रही थी ढंग से। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, काफी खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना हमारे देश के अंदर ही मिसाइल सिस्टम है नेट हमारे डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। और इसी के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया ताकि हम हमारे देश में ही मिसाइल है वो बना सकें। और उसी के तहत है वो बेसिकली पृथ्वी मिसाइल का निर्माण है वो किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है। शॉर्ट रेंज होगी है, सरफेस टू सरफेस। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, वो होती है जो ऐसे जाके बैलिस्टिक फॉर्म ऐसे गति करती है, इस फॉर्म में वो होती है। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो डायरेक्टली पॉइंट को टारगेट करती है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे सीधी जाएगी, ऐसे टारगेट करेगी। तो नॉर्मली जो मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक ही होती है। तो पृथ्वी हमें ध्यान में रखनी है बैलिस्टिक है
और इसके फीचर्स क्या वो हमने देख लिए, और इसी के अहम बात क्या है, तीन वर्जन है, रेंज क्या क्या है, 150 किलोमीटर, 250-350 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक की बेसिक इनकी रेंज है वो है। ये इतना लोड वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है कि इतना पेलोड वगैरह, बस मोटा मोटा फैक्ट थोड़ा पता होना चाहिए एक बार। अब हम बात करते हैं पिनाका मिसाइल की। देखो पिनाका है वो बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब ये क्या छोटी छोटी मिसाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये टैंक है, इसके पीछे छोटी छोटी मिसाइल लगी है पिनाका, मतलब इनकी रेंज है वो काफी कम है। इनकी रेंज की हम बात करें तो इनकी रेंज होती है लगभग मैक्सिमम देखा जाए तो वो होती है 75 किलोमीटर, मतलब ये मान सकते हो कि 75 किलोमीटर या 47 माइल्स तक इनकी रेंज है, वो होती है पिनाका की। अब देखो जो प्रहार मिसाइल बनेगी है उसकी रेंज है वो बेसिकली है पिनाका और पृथ्वी मिसाइल के बीच की, मतलब पिनाका की रेंज तो होगी 75 और उसकी होगी 600 के आसपास मैक्सिमम, तो इसके बीच में कितनी होगी, लगभग 250 के आसपास। तो जो प्रहार मिसाइल है वो बेसिकली एक मीडियम वर्जन है पिनाका और पृथ्वी मिसाइल के बीच का, तो ये इसीलिए बनाई गई है ताकि इन दोनों के बीच की जब मिसाइल जरूरत हो तो हम इसका यूज है फोकस के। बेसिकली कई जगह 150 किलोमीटर भी इसकी रेंज लिखी हुई है, कई जगह 250 है, तो वो इतना हमारे लिए फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता डायरेक्टली कि हम कितना यहाँ पे देखें, बट जो हम बात करें विकीपीडिया पे 150 किलोमीटर ही लिखा हुआ है तो हम उसी को फैक्ट लेके यहाँ पे चलते हैं। वेट है वो इसका है 1280 किलोग्राम और लेंथ है वो है 7.3 मीटर, तो ये तो सब याद रखनी कोई बात नहीं। इसी के साथ इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम है वो यूज किया गया है और सॉलिड फ्यूल का बेसिकली यूज है वो किया गया है, तो हमें ध्यान रखना कि प्रहार मिसाइल है वो है क्या, सरफेस टू सरफेस एक मिसाइल है बैलिस्टिक। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को लेके। देखो अभी हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उनकी लिस्ट है वो डिक्लेयर है वो की गई है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, उन पे यूपीएससी की बार मेज तफुलंग में पूछ लेती है और करंट में जो अवार्ड वगैरह के बारे में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न। देखो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो बेसिकली उनको दिया जाता है वो पर्संस जिन्होंने पिछले 4 सालों में अपना खेल के मामले में बड़ा उत्कृष्ट या सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब खेलों में जो सबसे बेस्ट रहा है पिछले 4 सालों में, उसके आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न है वो दिया जाता है। अब आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड है वो थोड़ी सी कम रैंकिंग है, मतलब उसमें क्या हो गया कि पिछले 4 सालों में जिस पर्सन ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया उसको दिया जाता है। देखो डिफरेंस थोड़ा सा माइनर ही है, राजीव गांधी खेल रत्न में क्या है कि जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 4 सालों में उसको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न, और फिर द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे अच्छे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद में आता है सॉरी अर्जुन अवार्ड, अब आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड है वो बेसिकली दिया जाता है कोई प्रतिष्ठित कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई खेल वगैरह हो और उसमें किसने भी अवार्ड वगैरह जीता हो तो उनके जो कोच हैं उनको दिया जाता है। जैसे कि आप ये मान लो कि कुश्ती के मामले में किसी भी पर्सन ने अवार्ड वगैरह जीते हैं इंटरनेशनल में ओलंपिक वगैरह, तो उसके जो कोच वगैरह हैं उनको बेसिकली द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाएगा, मतलब गुरु को बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है वो है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड है वो बेसिकली दिया जाता है वो पर्सन जिसने अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है स्पोर्ट्स के एरिया में, मतलब पूरा अपना जीवन है वो स्पोर्ट्स में व्यतीत किया है, स्पोर्ट्स के लिए समर्पित कर दिया है, उसको ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है यह कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है, मतलब पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर इंडिविजुअल हो किसी को भी अवार्ड है वो दिया जा सकता है। क्यों? जिस पर्सन ने खेल के लिए या फिर जिस इंस्टीट्यूट ने खेल के लिए प्रचार प्रसार और डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, काफी अच्छा योगदान दिया है, उसको बेसिकली खेल प्रोत्साहन अवार्ड है वो दिया जाता है। इसके बाद में एक माका ट्रॉफी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो माका ट्रॉफी है ये बेसिकली देखो जो इंटर यूनिवर्सिटी के बीच जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो यूनिवर्सिटी टॉप पे रहती है जो बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आती है, आप बोल सकते हो कि जिसने विजेता या जीत हासिल की है उसको बेसिकली माका ट्रॉफी है वो दी जाती है उस यूनिवर्सिटी को। मतलब एक यूनिवर्सिटी दो यूनिवर्सिटीज के बीच में जो टूर्नामेंट चल रहे हैं और उस बीच में जो भी यूनिवर्सिटी टॉप पे है उसको माका ट्रॉफी से सम्मानित है वो किया जाता है। तो ये कुछ अवार्ड हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, IAEA के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंडिया प्लान कर रहा है कि 4 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा मतलब अच्छे से स्टेबल है वो किया जा सके। तो अब कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे वो अभी मतलब से प्रस्ताव मतलब बात ही की जा रही है। बेसिकली इन 4ों में से 2 हैं वो तो रशिया की हेल्प से लगाए जाएंगे और 2 हैं वो इंडियन टेक्नोलॉजी है स्वदेशी उसके आधार पे लगाए जाएंगे।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड्स फुलफिल किए जाएंगे इन चार न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो किए जाएंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के गाइडलाइंस के मुताबिक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको बेसिकली 1957 में बनाया गया था, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी एटॉमिक एनर्जी है, मतलब जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज है, उसको प्रमोट है, वो करती है। यूएन के द्वारा बेसिकली इस एजेंसी को बनाया गया था, यह हमें ध्यान में रखना है। एक तरीके हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल फॉर्म है जो कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए काम करता है न्यूक्लियर के एरिया में, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है वो पीसफुल काम में हो, ऐसा नहीं है कि हम उससे बम वगैरह बनाए, ऐसे गलत कामों में उसका यूज ना हो, इसके लिए बेसिकली IAEA है वो बेसिकली काम है यहाँ पे करता है। मैंने आपको बताया कि एटम्स फॉर पीस सेफ एंड सिक्योर, मतलब शांति के लिए इसका यूज हो, जैसे कि एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए इनका यूज है, वो इसको बेसिकली प्रमोट है, वो किया जाता है। और अहम बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन दोनों को अपनी रिपोर्ट है वो सौंपती है। हेडक्वार्टर है इसका वो ऑस्ट्रिया के वियना में है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्पूतम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसे हम देख लेते हैं कि क्या है स्पूतम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। देखो बेसिकली स्पूतम जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पूतम है इसका यूज है वो क्या जाता है टीबी के डायग्नोस में, मतलब टीबी हो जाती है अगर किसी भी पर्सन को तो उसका डायग्नोस्टिक या उसका जब भी चेकअप होता है तो उसमें स्पूतम का यूज है वो क्या जाता है। अब होता क्या है स्पूतम वो देखते हैं। स्पूतम देखो हमारे जो लंग्स या फेफड़े होते हैं उनके अंदर एक तरीके का जैसे कफ होता है उसी टाइप का एक मतलब चिपचिपा गाढ़ा एक पदार्थ है वो होता है, जिसका बेसिकली यूज है उस सैंपल का यूज है वो टीबी के मतलब डायग्नोसिंग में किया है वो जाता है और काफी एक्यूरेसी से मिलती है। अब देखो हमारे देश में होता क्या है कि जब भी इसका कलेक्शन वगैरह किया जाता है तो ये लेबोरेटरी तक टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है कि सही ढंग से जांच वगैरह नहीं हो पाती है सैंपल वगैरह की, और इसीलिए अभी ये प्रावधान किया गया है कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके साथ एक तरीके से MOU है उसके साथ लिंक स्थापित की है, ताकि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें सैंपल्स वगैरह को इधर से उधर मूव है वो किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग से होता है, उसको अलग से फैसिलिटीज मिलती हैं, इसलिए उसी सिस्टम के थ्रू जो स्पूतम है इसका सैंपल है वो इधर से उधर लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा, ताकि जो भी हमारे देश में टीबी पेशेंट है उनका टाइम टू टाइम डायग्नोस्टिक है वो किया जा सके और टीबी पेशेंटों की संख्या वो हमारे देश में कम की जा सके। तो ये हमें ध्यान में रखना है स्पूतम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में होगा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको यूज किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि टीबी के निदान के लिए जो भी स्टेप है वो उठाए जा सके सैंपल्स को कनेक्ट करके। तो ये तो थी कंप्लीट न्यूज आज की, अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में जाना, जो कि लेबर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है जिसमें जिन लोगों की रोजगार चली गई है उनको जब तक नई रोजगार नहीं मिलेगी तब तक उनको पैसा है वो दिया जाएगा। बस मैंडेटरी ये है कि वो हैं जो भी पर्सन हैं वो बेसिकली इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के तहत उनकी इंश्योरेंस है बीमा होना अनिवार्य है, उन्हीं को फायदा है वो मिलेगा। इसके साथ ही हमने प्रहार मिसाइल के बारे में जाना कि प्रहार मिसाइल है वो बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और यह पिनाका और पृथ्वी मिसाइल के बीच का सा एक एवरेज मॉडल निकाला गया है। पिनाका की रेंज कितनी है 75 किलोमीटर, पृथ्वी की रेंज है लगभग 600 के आसपास मैक्सिमम, इसके बीच में रेंज रखी गई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज है वो, क्योंकि पृथ्वी के कुछ वर्जन है उनके 250 किलोमीटर रेंज है, कुछ की 300 है, कुछ की 350, ऐसे अलग अलग रेंज हो जाती है, तो बीच का वर्जन है वो प्रहार मिसाइल के तौर पर लाया गया। फिर हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे देश में राजीव गांधी खेल रत्न है वो बेसिकली उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने अपने लास्ट 4 साल में सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है खेल के मामलों में, और फिर आता है अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है जिन्होंने 4 साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कोई भी इंटरनेशनल पदक विजेता के जो कोच हैं उनको दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड है वो उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने अपना लाइफ टाइम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्पोर्ट्स को समर्पित कर दिया है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कोई पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है जिसने खेल के प्रचार प्रसार के लिए अपना अद्वितीय योगदान है वो दिया हो। माका ट्रॉफी क्या होती है, यह बेसिकली दी जाती है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के तहत जिस यूनिवर्सिटी ने बेस्ट परफॉर्मेंस या जिसने जीत हासिल की हो उसको।
फिर हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जाना, जो कि यूएन फैमिली का ही एक हिस्सा है, 1957 में बनाई गई थी। इसका काम यह है कि जो एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज हो, ना कि गलत यूज है वो हो सके, इसके लिए बेसिकली काम है वो करती है। फिर हमने देखा कि स्पूतम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें होगा क्या, स्पूतम का सैंपल है वो लिया जाएगा ताकि टीबी का डायग्नोस्टिक है वो किया जा सके, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करके सैंपल्स को इधर से उधर मूव है वो किया जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।